हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, आपकी एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होगी, आपके एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ किए जाएंगे, इसके बाद आपके एग्ज़ाम कब होंगे, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि आपका जो एडमिशन का सेशन है वो जुलाई 2021 का है? तो अगर आपने जून 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 के बीच में एडमिशन लिया है तो आपका जो एडमिशन का सेशन है वो आपका जुलाई 2021 का है। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस। आप यहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो एडमिशन सेशन है वो कब का है। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कैप्चा कोड और सबमिट करना है। देन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो एडमिशन सेशन है वो कौन सा है। तो अगर आपका जुलाई 2021 का एडमिशन सेशन है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो जून में होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है दो सेशन में लिए जाते हैं, इग्नू में जुलाई के एग्ज़ाम जून में और जनवरी के एग्ज़ाम दिसंबर में लिए जाते हैं। तो आपके जुलाई 2021 सेशन के जो एग्ज़ाम है वो जून सेशन में लिए जाएंगे। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जून में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने बैचलर डिग्री के इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है और आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका BTS, BAG, BCOM G, BSc G या फिर बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स या फिर आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क या फिर BA ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है, लाइक BA हिंदी ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA सोशोलॉजी ऑनर्स, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर इन सभी प्रोग्राम में आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो जून 2022 सेशन में लिए जाएंगे। अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है कि आपके जून 2022 के एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के थ्रू कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। अगर आपने मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर आपका जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन है और आपने मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ सोशोलॉजी, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या फिर मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, इसके बाद मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ या फिर आपने MCOM में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम है जुलाई 2021 सेशन के वो जून 2022 सेशन में लिए जाएंगे, जिसके अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि जून 2022 के एग्ज़ाम कब होंगे। इसके बाद अगर आपने इग्नू के किसी भी डिप्लोमा या PG डिप्लोमा के ईयरली बेस प्रोग्राम में जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका DCE, DNHE, DECE, PGDRD, इन सभी प्रोग्राम में आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो इन सभी के भी आपके जो एग्ज़ाम है वो जून 2022 सेशन में लिए जाएंगे। और अभी जून 2022 सेशन की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। जैसे ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू में आपके जो एग्ज़ाम है वो दो सेशन में होते हैं, एक दिसंबर और एक जून। तो आपके जून सेशन के लिए जो आपके एग्ज़ाम है वो एक जून से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर इस बार आपके दिसंबर के एग्ज़ाम लेट हुए थे इसलिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म अभी नहीं आए हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म मई के लास्ट तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब आपके एग्ज़ाम फॉर्म क्या होते हैं, तो आपको इग्नू में एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, जिसके लिए आपको ₹200 पर सब्जेक्ट फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। यानी आपके चार सब्जेक्ट हैं तो ₹200 के हिसाब से आपको ₹800, आपके आठ सब्जेक्ट हैं तो 200 के हिसाब से आपको ₹1600 पे करने होते हैं। ₹200 पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस होती है और उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का
कहना है कि क्या हमारा स्टडी सेंटर ही हमारा एग्जाम सेंटर होता है? तो नहीं, आपका स्टडी सेंटर आपका एग्जाम सेंटर नहीं होता है। जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर फिल करने का ऑप्शन आता है। आप अपनी मर्जी से अपना एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में हो या किसी भी सिटी में हो, आप अपनी मर्जी से अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म मई के लास्ट तक रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके जो जून के एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होकर जुलाई अगस्त तक लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम फॉर्म ही नहीं आए हैं तो आपके एग्जाम भी लेट होने वाले हैं, इसलिए आपके एग्जाम जुलाई अगस्त तक होंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने अगर जुलाई 2021 सेशन में इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो अभी जुलाई अगस्त में लिए जाएंगे, जिसके लिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं अभी मई के लास्ट तक भरे जाएंगे। और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कैसे होंगे, किस मोड में होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? तो इग्नू में जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही लिए जाते हैं, उन्हें कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, इसलिए इग्नू के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होंगे, इग्नू के एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं और इस बार भी ऑफलाइन ही होंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए इग्नू की हेल्प बुक अगर आपको चाहिए, आप इग्नू की हेल्प बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम समय बचा है। आप इस हेल्प बुक से इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ और इग्नू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस हेल्प बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको ये हेल्प बुक परचेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से ये हेल्प बुक परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।